रिकॉर्डिंग के वक्त टॉप की जो थ्री टीम है उनकी रैंकिंग सेम है, नंबर दो और नंबर तीन की टीमें आज के मैच में भिड़ रही हैं। इसी के साथ क्लियर हो जाएगी कि नंबर एक पर कौन है। टेबल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है, टॉप थ्री टीमों की रैंकिंग सेम है, उसके बाद की चार टीमों की रैंकिंग काफ़ी सेम है। रिकॉर्डिंग के वक्त लखनऊ और बैंगलोर आज के लिए मैदान में एक दूसरे के सामने। जो रैंकिंग अभी आपने देखा वो हमारे गेम प्ले प्रेडिक्शन का रैंकिंग था, प्लेइंग 11 जो है वो लास्ट मैचेस से इंस्पायर है दोनों टीमों का। कॉइन टॉस का वक्त, बैंगलोर की तरफ से कॉल आया है टेल्स का, जीतते हुए हम लोग बने हैं। जो लखनऊ आई थिंक आज रन चेज करते हैं। ऑलरेडी आप दो तीन दिन के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखना। वाई अगर क्रिकेट 22 को अगर आप मेरे से अभी पूछते हो खरीदनी चाहिए कि नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों? उसका जवाब आपको पिछले दो तीन वीडियोस को थोड़ा बहुत देखोगे तो समझ में आ जाएगा। टाइम हो गया इंट्रो का, प्लेयर्स का, साथ ही साथ आप लोगों को बताने का कि भाई मेरे सामने यहाँ पे चैलेंज है कि इस मैच को जीतना, अच्छा चेज या बड़ा चेज, छोटा चेज या बड़ा चेज, अभी आगे मालूम पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के लिए जो चेज है वो है 1500 लाइक का। लेट्स सी क्या 1500 लाइक चेज कर पाते हैं आप लोग। फाफ डू प्लेसिस शानदार फॉर्म में और दिखाते हुए पहली गेंद पर कवर पर से लगा दिया है चार, काफी सही ढंग से गेंद आई बल्ले पे। गलत है यार ये तो, 91 बनवा दिया, 9 रन बाकी हैं सिर्फ। सेंचुरी तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक चार गेंदों में बना लेंगे, 53 पे है, 57 तक कर लेंगे। ग्लेन मैक्सवेल भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए 18 में 28 के साथ। स्पिनर पंड्या 3 ओवर बाकी हैं, दूसरा कर रहे हैं ओवर, पहला ही शॉट 6 जाता हुआ ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से, 19 गेंदों में 34 आई थिंक जिस तरह से पहला शॉट मारा है और जिस तरह की मेरी पहली गेंद जो सबसे पहले थी जिस तरह से मिडलिंग हो रहा है गेंद, आई थिंक इजीली 200 जाएगा और मैं कम बोल रहा हूँ, आई थिंक 210 तक भी जा सकता है। क्रॉस एंगल लेकिन टॉप स्पिन और ये लॉन्ग ऑफ से सही हिट 6 रनों के लिए, वो भी मैदान छोटा नजर आ रहा है ग्लेन मैक्सवेल की शानदार हिटिंग के सामने। दो गेंदों पे पिच बिल्कुल डेड, बिल्कुल डेड, 6 रन, ओ माय गॉड, 3 छक्के के पंड्या को यहाँ पर, क्या चांसेस रह जाते हैं मेरे जीतने के यहाँ से अगर इस तरह से आई खेल गया बाकी 27 गेंदों में। साथ ही साथ बाकी के स्पिनर ओवर जो है वो भी आने के चांसेस खत्म, 4 छक्के मैक्सवेल के यहाँ पर, ग्लेन मैक्सिमम यहाँ पर 50 लगा दिया है 22 गेंदों में, साइड चेंज करने पे मजबूर कर दिया जो मेरा बिल्कुल हिस्सा नहीं था और यहाँ पे इनसाइड आ जा रहे यार, पहले क्यों नहीं की साइड चेंज, क्या भाई पंड्या 10 के क्या 11 के ऊपर जाता हुआ रन, फिर 4 रन गली के हिस्से से, बढ़िया स्क्वायर कट। उम्मीद करते हैं तेज गेंदबाजों के आने से सिचुएशन बदलेगी। पहली गेंद डॉट के लिए, बॉडी के करीब एक बार फिर रखने की कोशिश, इस बार एजेस, इस बार एजेस और 4 रन। गेंद अंदर की तरफ, लेग साइड पर हिट, 99 सेंचुरी से बस एक हिट दूर है और मैंने कहा था 4 गेंदें लगेंगी, आई थिंक 3 में कर लेंगे। बॉडी के करीब ही रख रहे हैं क्योंकि एजेस वहीं से आ सकती है। बीट बिग हिट में स्लॉट में यॉर्कर देने की इच्छा और ये 100 नहीं हुआ है पूरा, 3 से 4 से ज्यादा गेंदे ले ही लिए अंत में। एक बात और क्लियर हो गई, स्पिनर की पिच नहीं है, डॉट गेंद, बहुत स्ट्रेट शॉट लगाया जा सकता है जी ने, और तेज और इस बार बाउंड्री के पार। मैक्सवेल हमको भारी पड़ रहे हैं, हमें डर था फाफ का, ऊपर अच्छे शॉट्स, इस बार रेंज जाएगी 6 रनों के लिए। नहीं नहीं नीचे नीचे नीचे, ओए तेरी ओ कर गया, अभी मैंने तो बस किसी तरह बनाए रखा था सेंटर और काम बन गया। मैक्सवेल आउट हो गए हैं और गेंदें अभी बाकी हैं 15 और ये सबसे बड़ा विकेट, अभी मैंने इनकी तारीफ की और अगली गेंद पर ये पवेलियन जा रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, अभी तक का सबसे बेस्ट चीज हुई है आज के मैच में। सेंचुरी से 1 रन दूर और ये आता हुआ सिंगल ग्राउंड शॉट की बदौलत, फाफ डू प्लेसिस जा रहे हैं 100 के पार। बेस्ट इनिंग, बेस्ट इनिंग, बेस्ट इनिंग, कोई संदेह नहीं। 10 के रन रेट से अगर आप काउंट करते हो, बॉटम एजेस लगती हुई देखी है हमने, कंटिन्यू यॉर्कर कर रहे हैं, बल्ला खामोश, पैरों में शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे गेंद, 1 रन। देसाई 2 गेंदों में 2, अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं जिसकी उम्मीद थी, फाइनली यहाँ पर गैप के थ्रू 4 निकालते हुए स्क्वायर कट की बदौलत, आज स्क्वायर कट अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज, सोचा था उतना डैमेज बाकी के ओवर में नहीं कर पाया यहाँ पर, एजेस ज़्यादा लगी हैं, शॉट्स लिमिटेड रहे हैं यहाँ पर और परफॉर्मेंस पे असर दिख रहा है, गिरता हुआ परफॉर्मेंस। डॉट आई थिंक नहीं, गैप, फील्डर यहाँ क्रॉस दौड़ रहे हैं, चांसेस हाँ है, रोक लिया, बहुत बड़ी बात, 3 ना लेन देना,
क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतनी गुस्सा आ रही है देख के, इतना घटिया रिएक्शन। 9 रन का ओवर, बैड न्यूज, हमारे पास तेज गेंदबाज नहीं है लास्ट ओवर के लिए। और हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं के पंड्या को तो बिल्कुल नहीं ला रहा, तो आर बिश्नोई यहाँ पर आते हुए फर्स्ट बॉल ही नहीं जाएगी, 4 रन जा रही है। प्रभु देसाई के बल्ले से डबल डिजिट में पहुंचेंगे, 6 में 13, 100 कंप्लीटेड। जी हाँ, लेकिन आई थिंक कैच है ये, और गेम बगू यहाँ पे अपना रंग दिखाता हुआ असली, और यहाँ पे हम लोगों ने 6 ऐड कर दिया है जो कैच आउट हो सकता था। देसाई को लग गई है रनों की लत, रुकने वाले हैं नहीं, एक और हिट कर दिया है जो देगा 6 का डैमेज, 2 छक्के बैक टू बैक। बदकिस्मती देखो, AI ने ऐसा सेटअप किया था कि हमारे सारे तेज गेंदबाजों को यूज़ कर लिया था, पिच स्पिनर को लिए भाई नर्क है, नर्क स्वर्ग सुना होगा, नर्क है यहाँ पे। और पिटते हुए एक बार फिर, मैंने कहा था 210 जाएगा, जा चुका है आउटसाइड एज डॉट। देसाई कनेक्शन जबरदस्त, 6 इस बार, तीसरा छक्का है, दिस वन इज द बेस्ट। मजबूरी में मिडल लाइन पे आना पड़ रहा है, अब और कोई रास्ता बचा नहीं, उसको लेग साइड हिट कर दिया है, और यहाँ पर 4 जाता हुआ 220 ओवर में यहाँ पर बैंगलोर का। जैसी शुरुआत की थी लास्ट सेशन की, एंड भी वैसा ही किया है, बीच की 3 ओवर खराब रह गए, अगर उसको थोड़ा सा सुधार लेते आई थिंक 230-240 भी पॉसिबल हो जाता। अभी के लिए मैं अगर बैंगलोर की टीम होता तो खुश होता, संतुष्ट होता अपने परफॉर्मेंस से। बहुत सिंपल है, डुप्लेसिस ने लगाई सेंचुरी, ग्लेन मैक्सवेल 60+, सुयश ने आके अंत में मचा दी तबाही रनों की, गेंदबाजी में 1-1 विकेट अवेश जेसन रवि, और इस बार बहुत ही बड़ा रन चेज है 221 का। रेशियो की बात करते हो, आई थिंक 70-30 रेशियो रहेगा यहाँ पर, 70 बैंगलोर 30 यहाँ पर लखनऊ। केएल राहुल क्विंटन डिकॉक के साथ जोश हेजलवुड का सामना, तेज गेंदबाज है, अर्ली आया हूँ मैं हिट करने के लिए, आइडियल टाइमिंग दिखा रहा है, और 4 रन लगता हुआ फर्स्ट बॉल पर। सही है यार, AI ने तो अपना काम भाई निभा दिया है। 76 पे डिकॉक, मनीष पांडे 55 पे, 141 पर 115 ओवर के बाद, जो अच्छा खेलेगा जीतेगा। प्रभु देसाई गेंदबाजी में बॉटम शॉट, अरे हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया, गेम के फिजिक्स भी तो बर्बाद हैं। ठीक है, तेज गेंदबाज मीडियम पेसर गेंदबाज यहाँ पर आते हुए पहली गेंद पे बॉटम एज के थ्रू एक रन, 15-16 चाहिए ओवर में, लेट कट देगा सिर्फ एक ओवर थ्रो, नहीं। जबरदस्ती लेग साइड खेला जाए क्या, और कोई रास्ता लग नहीं रहा मुझे, यॉर्कर आई यार, आई बॉटम है जो ओके टाइमिंग, जब परफेक्ट लगना चाहिए तब तुम्हारा ओके लगता है यार, गजब। फिर से बनाने की कोशिश, जबरदस्ती का शॉट एजेस के रूप में, 4 ओके ही टाइमिंग आ रहे हैं, बाकी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता, आई थिंक टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 9 रन का ये ओवर, और ये मिडल उड़ गया है, सब कुछ गलत होता हुआ, शॉट चॉइस पुअर, टाइमिंग पुअर, फुटवर्क पुअर, इन द एंड मिडल उड़ा है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज करेगा। 15 रन इस ओवर से नहीं आए, 9 रन ही आए हैं, रन रेट में भी हम पीछे होते हैं, आई थिंक 17 टच करने वाला है रन रेट। स्पिनर को देख के थोड़ी खुशी तो हुई है, बट इन द एंड परफॉर्मेंस मायने रखेगा। थर्ड मैन पे हिट कर दिया है गेंद, 2 रन आ रहे हैं। डिकॉक कंटिन्यू करते हुए स्ट्राइक, इंटरेस्टिंग होगा कि स्टॉइनिस के लिए क्या फील्डिंग होगा, लेकिन हमें इसके लिए स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, 18 के ऊपर है। बिगेट रिस्की शॉट, 4 रन के लिए जाता हुआ, ठीक है फील्डिंग चेंज हो चुका है, और शॉट्स हमारे कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन लेग साइड पर एक और बाउंड्री इस ओवर की, फिर चेंजेस, अर्ली थोड़ा सामने खेला है जान बूझ कर, क्योंकि यॉर्कर लेंथ नजदीक थी गेम, मैं थोड़ा सा गुड टाइमिंग यहाँ पर बैठता हुआ, लेकिन एक और फाइन लेग, ये सरप्राइज किया मुझे, अरे कहाँ खेल गए, रन आउट ना होना, 1 रन ठीक है, सरप्राइज कर दिया ऑफसाइड डाल कर गेम, 90s में पहुंच चुके हैं क्विंटन डिकॉक, सेंचुरी से 7 दूर भाई, लॉटरी स्टॉइनिस को गारंटीड 4, अर्ली थोड़ा सा खेले हैं, आइडियल फिर भी 6 नहीं गया, 4 रन लास्ट गेंद पर, ग्रेट अभी भी 17 का, बॉटम ठीक है, ओके टाइमिंग यार बिल्कुल कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, ओए कीपर पे थ्रो है, 1 रन सेट हो जाए बस, वो नहीं हो रहा, गेंदे बहुत अच्छी है, ठीक है गुड शॉट, और भरोसा नहीं है मुझे बिल्कुल भी इसका, 4 रन बहुत ही नजदीक से फील्डर के, आई थिंक एक समय मुझे कैच की उम्मीद लग रही थी, क्राउड भी पता नहीं बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है बैठ रहा है पता नहीं, प्लान तो सिंपल, एक और विकेट, बहुत दूर, मैंने रन दौड़ा दिया है, सर से दूर, बॉडी से दूर,
ऊंचाई के मामले में, और वाइड गेन भी मिल गया, बहुत सही वार्निंग भी मिल गई है, मतलब अब बाउंसर नहीं आएगी। वो इन्हें मिल चुका है, थोड़ा सा अर्ली खेला है मैंने और ये छे जा रहा है। यहाँ फुटवर्क गुड था और टाइमिंग गुड था, लेकिन सिक्स गया है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर एक और हुई है कि सेंचुरी भी लग गई है हमें। रन रेट को भी थोड़ा सा हम धीरे धीरे कर रहे हैं, 18 के ऊपर चला गया था, अभी 17 के नीचे गिर रहा है। फिर यॉर्कर, फिर अर्ली खेला, ओके इनमें अर्ली खेलना है मुझे, अच्छा खासा अर्ली खेलना है, जो मेरी जनरली सोच थी ना उससे। नौ बॉल भी दे दी है, सोने पे सुहागा यहाँ पे, और पहले सिक्स खा चुके थे, अब यहाँ पर एक और नौ बॉल पे सिक्स खाते हुए। रन ज्यादा है वरना एक्सपेरिमेंटल शॉट लेते हैं। यॉर्कर एक और फ्लैट पे सिक्स, फ्लैट शॉट पे सिक्स, 24 रनों का ओवर। एक और यॉर्कर, बहुत अर्ली खेल गया, आई थिंक अर्ली ओके था। क्या मैच खत्म, मतलब बैंगलोर हार रहा है यहाँ पे। शॉट ओके, कोई नहीं, फाइन लेग ही मारना था आई थिंक। अरे मुझे लगा स्विप आ जाएगा, गारंटीड चार होगा, लेकिन यहाँ लेट पड़ गया। अर्ली गेंद पे एक रन तो बहाना था, मेन काम तो स्टोनिस को स्ट्राइक दिलाना था, लेकिन डॉट जा रहा है इनका गेंद। ओ क्यों डॉट जा रहे हैं भाई, ओके टाइमिंग आ रहा है ना, अर्ली ना लेट, मैं नहीं समझ पाया हूँ। ठीक है, मैं अभी वही फंडा कर रहा हूँ, वेट एंड वॉच वाला फॉर्मूला है, थोड़ा क्लोज आन दूंगा गेंद को। परफेक्ट सिक्स, भाई ध्यान से ही खेलो हर गेंद को। 6 रन, 8 गेंदों में रह गए अब 16। आज के मैच के आप विलन में हसरंगा के साथ प्रभु देसाई को भी डाल सकते हो। लास्ट मिनट पे सिंगल लेने गए हम लोग, मुझे वो बेहतर लगा, डॉट नहीं चाहता था मैं, क्योंकि अभी भी 12 का रन रेट है। ले लो रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सही, 4 आ रहा है ना, ठीक है। हाँ डन, लास्ट बॉल पे चौका, 6 गेंदों में 11 का टारगेट आया है। ऊपर करने प्रभु देसाई आए हैं, लेकिन भाई हंस मत, ये गेम क्रिकेट है, कभी भी पलट सकता है। पहली गेंद यॉर्कर, थोड़ा सा अर्ली बॉटम शॉट, बढ़िया कीपिंग, एक रन निकालते हुए यहाँ पे। अरे बहुत स्लो थी, हाँ 126 है आई थिंक, स्लो पड़ गया मैं, गेंद स्लो थी सॉरी। पिछली ओवर डिकॉक के नाम रही थी, इस प्रभु देसाई का फिर यॉर्कर, फिर स्लोवर 126। अरे यार ये पिछली बार 126 ही डाल रहा था क्या, ओके खेल रहा हूँ, बट आई थिंक मैं अर्ली जा रहा हूँ पोजीशन में। स्टोइनिस विकेट चाहिए, साइड लगातार राउंड दो विकेट कर रहे हैं लगातार। सिक्स, गलती गेंदबाज की गलती, बल्लेबाज का फायदा, आइडियल टाइमिंग, फिर नो बॉल, अब खत्म मैच। आई थिंक मेन विलन, आपके हिसाब से कौन विलन है इस मैच का बैंगलोर के लिए? हसरंगा को आप विलन कहेंगे कि प्रभु देसाई को विलन कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। मैं यहाँ पर अभी के लिए ग्राउंड शॉट निकाल रहा हूँ, दो आ सकते हैं, रनिंग तो करनी है दो रन वाली, और इस तरह से हम लोग और क्लोज पहुँचते हुए मैच जीतने के, अरे सॉरी जीत गए, अरे यार कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, बातचीत में गड़बड़ हो गई। यस वी वन, लखनऊ सुपर जाइंट्स 1/8 विकेट्स। ये मैच मुझे बहुत टफ लग रहा था, 220 प्लस का चेस करना कभी भी आसान नहीं होता किसी भी सिनेरियो में, भले बैटिंग पिच हो, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क रहता है विकेट ना होना। इस बार हमारे पास विकेट थे 15 ओवर में, तो वो भी हमें हेल्प किया। ऊपर से डिकॉक जैसा प्लेयर, जो कि भाई हमारे चैनल का मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर, और आज भी कंसिस्टेंसी दिखाई है, और नया रैंकिंग हमारे चैनल पे आता हुआ जो हमारे गेम प्ले प्रेडिक्शन का है, उसका भी फाइनल और सेमी फाइनल है, और उसका भी विनर आएगा, अभी नहीं जब टूर्नामेंट पूरा होगा तब, लेकिन अभी के लिए जो ये है रैंकिंग आ चुका है। हमारा लाइक का जो चैलेंज है वो है 1500 लाइक, तो प्लीज़ लाइक कर देना सब लोग यार। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रीम में, आज ऊपर में 3 बजे मुलाकात होगी लाइव स्ट्रीम में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, गुड डे।